नॉवेल्स फॉरएवर में खुश आमदीद। नॉवल रक्से मोहब्बत, जिसकी राइटर है तानिया ताहिर, उसकी ये दूसरी एपिसोड है। और होप्स हो कि आप लोगों को पहली एपिसोड पसंद आई होगी और आप लोग शिद्दत से सेकंड एपिसोड का इंतज़ार कर रहे होंगे। तो इससे पहले मैं बता दूं, मुझे समझ नहीं आ रही वो बहरीन रहती है या बहरीन रहती है, क्योंकि उर्दू में इस तरह से लिखा होगा, मैं कन्फ्यूज़ हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही। लेकिन मैं आज कन्फर्म कर लूँगी अगर तो ये बहरीन हुआ। पता नहीं कोई मुल्क है या नहीं, मुझे मतलब सुना तो हुआ है लेकिन अब वो पता नहीं है क्या, कुछ जजीरा टाइप कुछ इस तरह का नाम। लेकिन खैर मैं पूछूंगी कि ये उन्होंने क्या लिखा है। तो अभी तो मैं बहरीन ही पढ़ रही हूँ, मुझे नहीं समझ आ रही। तो बस चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड एपिसोड को। बहरीन में दूसरी शादी करके उन्होंने एक तोहफा पाकिस्तान छोड़ दिया था, मिसाल की सूरत। दादा जान ने बेहद इख्तलाफ किया था, लड़ाई झगड़े हुए थे, मगर ये बड़ी अम्मी का सब्र था कि उन्होंने मिशाल को दिल से कबूल किया। और उनके कहने पर बाकी सब ने, मगर मिशाल उन सब को कबूल 2 साल गुजरने के बाद भी नहीं कर सके। उसे सख्त चिढ़ थी सिकंदर और बड़ी अम्मी से खासकर। उसका कहना था अगर यहाँ आना था तो उसकी मम्मा को लाते, मगर जिस तेज़ी से मिशाल वहाँ की ज़िंदगी में इन्वॉल्व हो रही थी, वो मज़ीद मिशाल का वज़न उठा नहीं सकते थे, तभी यहाँ छोड़ गए थे। शादी के साल बाद ही सारा पैसा लूटकर वो भाग चुके थे, जिससे उनका कारोबार हिल गया। और एक वक्त था कि उन पर बड़े बुरे हालात थे, जिसकी वजह से दादा जान के बड़े बेटे को भाई की इस लूट मार पर हार्ट अटैक आया और वो अल्लाह को प्यारे हो गए। और इसके बाद दादा जान की भी तबीयत ख़राब होने लगी। तो बाकी छोटी उम्र से वहाज ने बिज़नेस को संभाला, मगर अप्स डाउन आते रहे। वहाज, हानिया और नूर तीनों बहन भाई थे। नूर वहाज से काफ़ी छोटी थी, इन दोनों में 12 साल का गैप था, जबकि हानिया भी वहाज से काफ़ी छोटी थी और इन दोनों में 7 साल का गैप था, जबकि दूसरे नंबर वाले बेटे बख्तियार के यहाँ बड़ी अम्मी से एक बेटा था, जबकि बाहर से आई मिशाल, जिसने सबको नाकों चने चबवा रखे थे, तीसरे बेटे जो एक कार हादसे में काफ़ी जवानी में फौत हो गए थे, उनके यहाँ भी 2 ही बच्चे थे, आहंग और सारम। आहंग तो बेहद डरपोक लड़की थी, जबकि सारम काफ़ी संजीदा मिजाज रखता था और घर की सब लड़कियों को वो पढ़ाता था, वो भी वहाज के कहने पर, जबकि अल्तमिश दादा जान का लिपालक था। ये बात वो जानता था, मगर कभी किसी ने उसे इस बात का एहसास होने नहीं दिया, ना ही किसी ने उसे अलग समझा। वो बचपन से वहाज के साथ ही रहा, सब जानते थे वो दादा जान के दोस्त का पोता है और उसकी फैमिली एयर क्रैश में फौत हो चुकी थी, तब दादा जान उसे घर ले आए थे और घर के फर्द की तरह वो आज तक रहता था और बड़ी अम्मी ही उसे अपना बेटा कहती थी। हानिया के झूठ के बाद उसे एक्स्ट्रा प्रोटोकॉल मिलने लगे। हानिया ने आहंग को आंख मारी, जबकि आहंग ने नफे में सर हिलाया कि वो इतनी चलाक कैसे है, और अपने खाने पर तवज्जो दी क्योंकि वो भी थक चुकी थी और उसे सोना था। शाम की चाय पर सब घर वाले इकट्ठे थे, लॉन में बैठे थे। यहाँ इस घर का असूल था कि डिनर सब साथ करते थे और इसके अलावा शाम की चाय सिर्फ चारों लड़कों के अलावा तो सब होते थे, तो सब मौजूद होते थे, मगर मिशाल नहीं। वो तीनों लड़कियाँ झूले पर बैठी थी, जबकि बाकी सब बड़े दादा जान के पास। आहंग, बेटे मिशाल को भी बुला लाओ, दादा जान ने कहा तो आहंग ने सर हिलाया और उठी। क्या ज़रूरत है उस साइको के पास जाने की, इनकार कर दो। हानिया ने रोका, मैं दादा जान को इनकार नहीं कर सकती। आहंग ने अपना हाथ छुड़ाया और उठी और मिशाल अपने रूम की जानिब चल दी। पागल, हानिया ने कहा तो नूरी हंसने लगी, मैंने सुना है आप ही आपने ड्रामा किया है, आपका बीपी शीपी लो शो हो गया था। आने दो सारम भाई को, बताती हूँ निकम्मी फेल हुई है केमिस्ट्री में। शट अप, तुमने कुछ बताया देखना ये दांत तोड़ दूंगी, हानिया ने घूर कर कहा। रिश्वत, नूर ने फौरन हाथ आगे किया। कितनी मनहूस बहन हो यार तुम, हानिया ने उसका हाथ झटका। अंदर से दोगी पूरा 200, मुँह बंद रखना अपना। ओके, नूर बोली तो हानिया झूला लेने लगी, जबकि आहंग मिशाल के कमरे के बाहर आ गई, दरवाज़ा भिजाया। मिशाल, क्या आप जाग रही हैं, उसने पूछा। उसके बाल बेहद लंबे और हसीन थे कि कमीज से भी नीचे जाते थे और वो उन्हें बांध कर ही रखती थी, जबकि चेहरे पर बला की मासूमियत थी, रंग बिल्कुल साफ दूध की माने था, जबकि हसीन भी वो बेहद थी। उसके दरवाज़ा बजाने पर अंदर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, वो बहुत जल्द नर्वस हो जाती थी। उसने दरवाज़ा दोबारा बजाया तो मिशाल ने फाड़ खाने वाले अंदाज में दरवाज़ा खोला। अब क्या तकलीफ है, कमरे में बंद हूँ अब तो मैं, वो धाड़ी। आहंग के रंग उड़ गए, भाई तक आवाज़ आई। हानिया जल्दी से उठी, आज इसका दिमाग सेट कर ही दूंगी मैं। रुक जाओ हानिया, मम्मा ने उसे रोका तो वो पाँव पटकने लगी। आहंग बेटे आ जाओ, अगर मिशाल नहीं आना चाहती तो, वो बोली तो आहंग सुर्ख भीगी पलकों से भाग कर बाहर आ गई। हानिया ने तप कर उसे देखा
और उसे लिए वो दूसरी तरफ आ गए। सब परेशान थे मिशाल के रवैये पर। रात के खाने का अहतमाम हो रहा था जबकि अंदर मिशाल की बस हो गई थी। सर में दर्द शुरू हो गया था, जिद में आकर उसने खाना नहीं खाया था और अब तो पेट बहुत सारी बैक वक्त खुराक मांग रहा था। वो पहले तो कमरे में इधर उधर चकराती रही। उसने इस दौरान बाबा को कहीं कॉल्स की थी, मम्मा को की थी, मगर मजाल है उन दोनों में से किसी ने पिक की हो। उसे गुस्सा आने लगा, यहाँ वो तो उसे फेंक ही गए थे, जब उधर इधर चकराने पर से भी भूख ना मिटी तो उसने बाहर आने का सोच ही लिया। वो खुले से स्याह ट्राउज़र और उस पर थोड़ी लंबी शर्ट में थी, मगर दुपट्टा जैसी चीज़ क्या होती है उसे पता नहीं था। वो बाहर आ गई, उसके सर पर सुर्ख निशान बन गया था जबकि आंखें रोई रोई अलग लग रही थी। उसके बाहर निकलते ही आंख नूर और हानिया ने उसकी जानिब देखा। वो डेजर्ट बना रही थी, उसकी निगाह भी तीनों पर गई। हानिया ने तो गुस्से से मुंह फेर लिया जबकि आंख हल्का सा मुस्कुरा दी। विशाल ने मुस्कुराने की जहमत नहीं की और वो किचन की जानिब आ गई। अलबत्ता नूर को तो उसे देखने का शौक था, वो लगती ही इतनी प्यारी थी। वो किचन के दरवाजे में आई तो सबसे पहले बड़ी अम्मी की निगाह ही गई। वो बहुत नफीस खातून थी, हर वक्त उनके सर पर दुपट्टा होता था जबकि चेहरे पर नूर ही अलग था और सब उनकी बहुत इज्जत करते थे। कुछ खाने को मिल सकता है मुझे भी, वो तड़क कर बोली। जी बेटे क्यों नहीं, आप बाहर बैठो मैं लाती हूँ खाना, बल्कि एक काम करिए आपको जूस दे देती हूँ, खाना सबके साथ खा लेना, वो बोली तो मिशाल ने उनकी जानिब देखा। मुझे सिर्फ खाना चाहिए, उसने संजीदगी से कहा और लापरवाही से बालों में हाथ फेरा। गोल्डन ब्राउन बाल लहरा से गए, ज़्यादा लंबे नहीं थे मगर बहुत छोटे भी नहीं थे। पीछे कमर पर तो मौजूद थे मगर शायद किसी को बिल्कुल पसंद नहीं आए थे। ओके टेबल पर बैठो, वो बोली और हल्का सा मुस्कुराई क्योंकि वो नॉर्मली पहली बार बात कर रही थी उनसे। चच्ची और फरजाना भी मुस्कुरा दी। वो अब से घुल मिल जाती तो शायद घर का माहौल बेहतर हो जाता। वो चेयर खींचकर उन तीनों से फासले पर बैठ गई और मोबाइल निकालकर टेक्स्ट करने लगे। उसके कहीं दोस्तों के मैसेजेस थे। नूर तो उसके लंबे लंबे नाखूनों को स्क्रीन पर तेज़ी से चलता देख रही थी। आहंग भी कुछ देर बाद नज़र डाल लेती जबकि हानिया ने निगाह नहीं उठाई थी। विशाल ने बोरियत से महंगा तरीन मोबाइल टेबल पर फेंक कर उन तीनों को देखा। सादे से कपड़ों में दुपट्टा लिए वो तीनों एक बाउल में झुकी हुई थी, उस पर बादाम रख रही थी। व्हाट इज़ दिस, विशाल ने आहंग को देखा। जी जी, वो तो परेशान सी होगी उसके बोलने पर। ये क्या चीज़ है, उसने फिर से पूछा। ये खीर है, आपको चाहिए, आहंग ने घबराहट पर काबू पाते पूछा। विशाल ने सर हिला दिया। आहंग तो खुश हो गई, उसने कभी सीधे मुंह जवाब नहीं दिया था, शायद आज भूख लगी थी तभी वहाँ से बोली थी, मगर हानिया से तो अब भी नहीं बोली थी। उसका एटीट्यूड ही सख्त बुरा लगता था जबकि वो अपने रवैये को नहीं देखती थी। नूर जल्दी से भागकर अंदर से प्याली ले आई। विशाल पहली बार ऐसी कोई चीज़ खाने वाली थी, वो डेजर्ट में सिर्फ आइसक्रीम खाती थी। वो खुद भी बाउल की जानिब देख रही थी जबकि आहंग ने खीर निकालनी शुरू की। तुम जानती हो भाई को बहुत पसंद है खीर और इनसे पहले कोई नहीं खाएगा, हानिया ने आहंग का हाथ पकड़ लिया। आहंग तो हैरान रह गए, साथ नूर ने भी बहन को हैरानगी से देखा। आप ही तो क्या हो गया मिशाल, आपको भूख लगी है, वो बोली तो हानिया ने खा जाने वाली नज़रों से देखा। कौन है इसका भाई, मिशाल ने नूर की तरफ देखा। नूर तो खिली गई उसके बोलने पर। वहाज भाई मेरे और हानिया आपी के भाई वहाज भाई हैं, जबकि सारम भाई आहंग के भाई हैं और अल्तमिश भाई आहंग के मंगेतर हैं, नूर खिलखिलाई क्योंकि आहंग के हाथ कांपने लगे थे, न जाने वो नॉर्मल क्यों नहीं रहती थी। और सिकंदर आपका, अव्वल तो मेरा कोई भाई नहीं है, आइंदा कहना भी मत, और समझती क्या है ये खुद को, इसका भाई और ये एटीट्यूड के मारे हुए लोग, अगर ये खीर मैं नहीं खाऊंगी तो कोई भी नहीं खाएगा। विशाल जो सुबह की बात पर वहाज पर अलग तप चढ़ी हुई थी, उसने बाउल को हाथ मारा और खीर से भरा हुआ बाउल सारा ज़मीन बोस हो गया। आहंग और नूर की एकदम चीख निकली, हानिया हैरान रह गई जबकि विशाल अपनी हरकत से मुतमइन थी। ये क्या किया है तुमने, आज वहाज भाई ने खुद फ़ोन करके मुझे कहा था कि खीर बना लेना, खुशखबरी है, और तुम मेंटल केस लड़की, हानिया का बस नहीं चला उस मुतमइन बदतमीज़ के बालों में लटक जाए। मज़ा आया, विशाल ने शान्य अचका कर पूछा। इससे पहले हानिया उस पर चपटती वहाज के मजबूत बाजुओं ने उसे पकड़ लिया। पीछे वो तीनों भी खीर के बाउल को देख रही थी। लगता है तुम्हारे सब्ज कदमों की आवाज़ मेरी बहन के कानों तक पहुंच गई थी, तभी ये लजीज नुकसान हुआ है, सारम ने दुख से कहा। बड़ी अम्मी चच्ची और फरजाना तो दरवाजे में हॉर्न खड़ी थी, दादा जान भी संभलते हुए आ गए। ये सब क्या हो रहा है, हानिया को रोना आ गया जबकि मिशाल तो मज़े में खड़ी थी। वहाज ने उस पर निगाह डालना भी मुनासिब नहीं समझा था। दादा जान आहंग से क्या हो गया, होगा नुकसान आप जानते तो हैं, ये तो आम बात है, सारम ने कहा क्योंकि उसे लगता ही यही था। आहंग पीछे मुड़ी और भीगी पलकों से अपने भाई को देखने लगी। मगर मैंने नहीं किया ये,
वो बिल्कुल मध्यम आवाज़ में अपनी सफाई देती। अल्तमिश के दिल में धड़क उठी थी। उसने सारंग के पेट पर खींच कर मुक्का मारा। भले वो तेरी बहन है मगर मेरी मंगेतर है। दिल तो कर रहा खून कर दो तेरा। अल्तमिश जब से खड़ा रहा क्योंकि वो फिलहाल कुछ नहीं कर सकता था। सारंग ने अफसोस से बहन की भीगी पलकें देखी। ओके गुड़िया, रोने की क्या बात है? सारंग ने उसे प्यार किया। ये मैंने फेंका है क्योंकि ये लड़की मुझे खाने नहीं दे रही थी, अपने मेंटल साइको के इस भाई के लिए रख रही थी। मिशाल ने अपने हाथ सीने पर बांधते हुए सकून से इतला दी सबको। उसकी जानिब नज़र उठाई। वो लापरवाही से सबको पेश दुपट्टे के बिना ट्राउज़र शर्ट में, खुले बालों और गहरे गले वाली शर्ट में सकून से खड़ी थी। अपनी जबान को लगाम दो, वहाज ने उंगली उठाई। क्यों, तुम्हें क्या तकलीफ़ है? हाँ, उसने आंखें उसे जिज करते हुए पटपटाई। वहाज ने सबसे दादा जान की जानिब देखा। मिशाल, दादा जान ने उसे पुकारा। जी, वो बेहद इखलाक से उन्हें देखने लगे। दर हकीकत उसे बहुत मज़ा आया था ये खीर गिराकर। बेटे ये क्या हरकत है और ये कैसा अंदाज है सबसे बोलने का? उन्होंने नरमे से उससे सवाल किया। दादा जान, आप मुझसे प्यार से बात करेंगे, मैं आपसे करूँगी, मगर जो मेरे साथ बदतमीज़ी करेगा या मुझे गिराने की कोशिश करेगा उसका अंजाम ऐसा ही होगा। और अगर किसी को ज़रा सा भी अभी लगता है मैं किसी से डरती हूँ तो वो नहायत अहमक है, सर झटक कर बोली। तो सब हैरानगी से उसको देखने लगे। आह, ये लड़की वहाज को उल्टा लटका चुकी है। वहाज साहब के दिमाग की नसें फटने को हैं। अल्तमिश ने सारम के कान में कमेंट्री की, जबकि सारम तो इस पटाखे टाइप लड़की के लिए गहरा सांस भरकर रह गया। दादा जान इससे पहले कुछ बोलते वो बाल झटक कर अपने रूम में चली गई। भूख तो उसे जलील करके ख़त्म हो गई थी। वो मुस्कुराती गुनगुनाती चली गई, जबकि हानिया ने वहाज से खुद को छुड़ाया। मैं इस लड़की का मुंह तोड़ दूंगी, वो गुस्से से रोने वाली हो रही थी। मेरी जान, पागलों के मुंह नहीं लगते, वो उसे प्यार से समझाने लगा, जबकि सबके चेहरे पर मदम मुस्कुराहट आ गई। मैं समेट देती हूँ सब, आहंग उठी। चलो रिलैक्स हो जाओ लड़की, कुछ नहीं होता, खीर फिर बना लेना कल, मगर इस बार छुप कर। अल्तमिश ने आँख दबाई तो हानिया ने पाँव पटके। आह मेरी बहन, चलो मैं बाहर से ला देता हूँ। वैसे सिकंदर साहब, अगर आपको मोबाइल से फुर्सत मिल गई हो तो कुछ मीठा लेकर आओ, क्योंकि मीठे के साथ ही दादा जान को खबर देनी है। अल्तमिश ने मोबाइल पर जल्दी जल्दी मैसेज टाइप करते सिकंदर के सर पर एक थप्पड़ लगाया। बस एक मिनट भाई, वो बोला और फिर उसके जाने मतवज्जे हुआ। नहीं, मैं बच्चा हूँ जो मेरे सर पर देकर मारते हैं थप्पड़। अल्तमिश को सिकंदर ने गुस्से से देखा। बस ज़्यादा बक बक नहीं, जाओ और मिठाई लाओ, सारिम ने कहा। सिकंदर मुँह बना गया। ये मिशाल बीबी के लिए करेले के लड्डू लाऊं या गुलाब जामुन खा लेगी? शरारती नज़रों से सबको देखता बोला तो सबके चेहरे पर एकदम हंसी आ गई, सिवाय वहाज के जो हानिया को समझा रहा था। अल्तमिश नीचे झुकी आहंग के पास से गुजर गया। वो अपने काम में मगन हो चुकी थी, तभी उस पर निगाह नहीं गई। वो बिल्कुल ऐन आहंग के सामने बैठ गया। आहंग ने सारा समेट लिया, जबकि अल्तमिश की नज़रों की तपिश अचानक उसे अपने गालों पर महसूस हुई। सब हानिया की दिलजोई में लगे थे। उसने घबराकर इर्द गिर्द देखा, अल्तमिश पर निगाह ठहरी। वो लबों की तराश में मुस्कुराहट लिए उसे ही देख रहा था। आहंग का दिल जोरों से धड़का और उसने अपने कांपते हाथों को उससे छुपा लिया, जिसे देखकर अल्तमिश मुस्कुराया था। अल्तमिश ने होंठ बजाकर उसे फिर से अपनी जाने में तवज्जा किया और बाएं आंख दबाई। और आहंग की तो सीटिंग ही गुम हो गई थी। वो सटपटाकर उठी, भागी थी किचन की जाने के जोर से टेबल में बजी। अरे, अल्तमिश एकदम बोला। सब ने उसी को देखा, वो तो रोने वाली हो रही थी। ख्याल से बेटे, चच्ची बोली तो वह सर हिलाती जल्दी से भाग गई, जबकि दिल पर हाथ रख दिल की धड़कनों को इस तरह खुलेआम शोर करने से गोया रोका था, मगर वो कहाँ बाज आई थी। वो सिंक में अपने कांपते हाथ धोने लगी। इतना डर लगता है तो शादी के बाद क्या होगा? तभी तुमसे कहता हूँ बात कर लिया करो मुझसे, ये लंबी लंबी रातें कैसी कटती हैं? प्लीज़ ये बातें कैसी बातें कर रहे हैं, कोई सुन लेगा? आहंग ने उसकी जानिब देखा नहीं था। सुनने दो, वो उसके कान के करीब झुका। आहंग एकदम पीछे हुई तो सारे ग्लास गिर गए। खुदा खैर करे, क्या हो गया इस लड़की को? चची जल्दी से अंदर भागी, जबकि सारम और वहाज ने एक दूसरे की जानिब देखा। अल्तमिश साहब गायब थे तो ज़रूर ये ग्लासों का नुकसान उन्हीं बदौलत हुआ है, जबकि अल्तमिश नफे में सर हिलाता दरवाजे की ओट में हो गया। क्या करती हो बेवकूफ़ लड़की, सारे गिलास तोड़ दिए, अभी तो निकाले थे, उसकी माँ गुस्सा करने लगी। आहंग ने अपनी माँ के पीछे से मुस्कुराते अल्तमिश को देखा, उसकी पलकें फिर से भीग गई। सॉरी मम्मा, वो बोली तो चची ने गहरा सांस भरा। अच्छा अब रोने मत लग जाना, जाओ शाबाश, बाहर बैठो, खाना लगाती हूँ मैं, वो बोली तो वो सर हिलाकर अल्तमिश को देखे बिना जल्दी से बाहर भाग गई। अल्तमिश अलबत्ता चची से नज़र बचाता पीछे से निकला, और जब वो बाहर निकला तो वहाज ने तो उसे घूरा था, जबकि सारम ने उसकी दरगत बनाने की ठान ली थी। तू अकेले में मिल,
फिर बताता हूँ मेरे वीर, तू मेरी बहन के पीछे कैसे गया, वो उसको घूरता बोला। अल्तुतमिश डीठों की तरह हंसने लगा, जबकि दूसरी तरफ हाज फ्रेश होने के लिए अपने रूम की जाने बढ़ गया। बाकी सब अभी बाहर ही थे। वो अपने कमरे में आया तो दरवाज़ा खुला हुआ था। उसने थोड़ी हैरानगी से देखा और अंदर दाखिल हुआ। अंदर मिशाल उसके बेड पर टांग रखे लापरवाही से झुलाती बैठी थी। सामने वहाज को आता देख उसने आंखें घुमाई। वहाज के तो सर पर बम की तरह पड़ी थी उसकी ये हरकत। बस नहीं चला, इतने थप्पड़ मारे मुंह सूज जाए उसका। तो ये थी आज की एपिसोड। होप सो कि आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह अगली एपिसोड में आप लोगों को जल्द प्रोवाइड करूँगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इसकी तीसरी एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।